पूछता है क्या मालूम हमारे विरोधी पार्टियों की क्या दुश्मनी है इस महाराष्ट्र की मिट्टी से, उनको कुछ मीडिया के साथीदार भी मिल गए हैं। सुबह उठते ही न्यूज आ जाती है, मुंबई में कोरोना, महाराष्ट्र में कोरोना की संख्या 1,00,000 पार, आज संख्या 1,04,000 है। लेकिन ये बात क्यों छुपाते हो कि 50,000 ठीक होके घर भी चले गए, या आगे के जो 50 है 1,04,000 में के, उनकी उनमें से 35,000 ये असिम्प्टोमैटिक, यानी उनमें कोई संसर्ग दिखता ही नहीं है। अब WHO ने क्या कहा है कि जिनको असिम्प्टोमैटिक संसर्ग है उनको कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं, ना वो फैला सकते हैं। सच्चाई को क्यों छुपा रहे हैं कि धारावी जैसी झुग्गी झोपड़ी झोपड़पट्टी दुनिया में पहले 5 झुग्गी झोपड़ियों में है घनता के संख्या में। एक संडास का इस्तेमाल बंबई में 500 लोग करते हैं, ये क्यों छुपाते हो? धारावी का डबलिंग रेट, दुगना होने का रेट जो है वो पहले 8 दिन था, अब 26 दिन के ऊपर चला गया है। मौत की संख्या दिन ब दिन घटते जा रही है, क्यों डरा रहे हो? राजनीति करने के लिए और कहीं जगह है, मौत की राजनीति मत करो और झूठ मूठ की बातें मत फैलाओ। आम आदमी के दिल में डर मत पैदा करो। इतना ही शौक है तो जिन दवाइयों को केंद्र सरकार ने रोक के रखा है बिना वजह, वो 6 कंपनियां मांग रही है और डॉक्टर्स भीख मांग रहे हैं उस कंपनियों के पास उन दवाइयों के लिए, वो दवाई मिला के दो केंद्र के हाथ में। अगर बात ही करनी है तो पूरे देश में कितनी मौतें होती है, सबसे ज्यादा अवस्था कहां गंभीर है उसके ऊपर बात करो। गुजरात की मालूमात बताओ, जिस मिट्टी पे जन्म लिए हो उस मिट्टी को क्यों बदनाम करते हो? ये अच्छी बात नहीं है। करने के लिए राजनीति के क्षेत्र बहुत है, लेकिन वो कहां पे करनी चाहिए उसके लिए भी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन मत करो। उद्धव काम कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो कहीं दिखाई नहीं देते कोरोना के वक्त घूमते हुए। जरा आप भी घूमिए फिर आपको पता चलेगा काम करना क्या होता है। सिर्फ उंगली उठाने से काम नहीं होता।